में तुम हो मेरा दम निकले तेरे चरणों हो मेरे पास में तुम बैठे रहना मेरे पास कितनों की ऐसी इच्छा है सबकी है जो हाथ नीचे कर रखे कोई फायदा नहीं स्वर्गवासी होने से और वैकुंठवासी होने से श्याम लीन हो जाओ उसमें जो फायदा वो कहीं भी नहीं है। लोग बोलने के लिए बोलते थे कि खाटू स्वर्ग का द्वार है वैकुंठ का द्वार है उसमें रहने वाले कौन हो गए बताइए। और हर महीने हम दर्शन करने जाते हैं लॉजिक लगाइए। अभी तो आजकल लोग ताजमहल है लाल किला क्यों कंपेयर करें हम खाटू नगरी हमारे बाप ने एक सुंदर सी नगरी बसाई है हम प्यारों के लिए। कौन कौन मानते हैं इस बात को दोनों हाथ खड़े कर लेना एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर जय श्री श्याम थोड़ा और दम लगाकर बोले जय श्री श्याम। भैया एक एक करो ऐसे वृंदावनी बोली साचे दरबार की देखिए भजन में मैं चाहूंगा कोई डिस्टर्ब ना करे जो जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाएं और जो जहां खड़े वहीं खड़े रहें। हम हमेशा खाटू जाते हैं बाबा से हमेशा कुछ ना कुछ मांग कर लाते हैं। कभी आपने कोशिश करी कि बाबा से जाकर पूछें आप कैसे हो कोई नहीं पूछता लिस्ट लेकर जाते हैं बड़ी सारी बाबा मेरा ये काम बना दे बाबा मेरा वो काम बना दे। हम और आप बाबा को क्या बताएंगे बाबा के पास तो हमारा पूरा बायोडाटा है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक दिन गलती से पूछ बैठा ठाकुर जी कैसे हो पहली बार जवाब नहीं आया दूसरी बार बोला क्या बात है नाराज हो कैसे हो तो भी जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जैसे ही पूछा अरे बाबा बता दो कैसे हो बोला 33 साल पहले कहाँ गया तो मर गया था 33 साल का हो गया आज तक कभी नहीं पूछा। सुनाऊं ये सवाल क्या क्या जवाब सवाल भेजे ठाकुर जी ने सुनाऊं सुनाऊं अरे हाँ तो बोले एकदम से बोली खाटू नरेश जी ओ क्या पूछा कभी मेरा हाल सदा तू अपनी सुनाता है। बोलो क्या पूछा कभी मेरा हाल सदा मेरा किससे नाता है। भूल सकते हैं क्या बाबा भूल सकते हैं हाँ कहना बाबा को कौन कौन मानता है इस बात को एक बार दोनों हाथ खड़े करके जो हाथ नीचे कर रखे इसका मतलब आपके हिसाब से बाबा को नहीं पूछना चाहिए और जिनके हाथ ऊपर है उनके हिसाब से हाँ हमारी गलती है। दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाकर वो क्या पूछा कभी मेरा हाल सदा तू अपनी सुनाता है।
का दर्शन करता है, कमरे में जाता है, नाश्ता करता है, सो जाता है। दोस्तों को बुला लिया, श्याम प्रेमियों को बुला लिया, इसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली, रात को क्या रस आई, नए नए कुर्ते पहने, धर्मशाला में जाके जोत ली, आधे घंटे कीर्तन में बैठा, दूसरे दिन की फ्लाइट पकड़ी जगतू पे मिली। सुंदर चीज कोई नहीं हो सकती दरबार में, कुछ नहीं पड़ा इन दुनिया वालों में, जो मिलेगा यहां से मिलेगा, किनको किनको चाहिए, दोनों हाथ खड़े कर लेगा। तालियां कौन कौन बजाने वाले हैं, जोरदार ताली वाला कीर्तन जोरदार। वचन दिया था, आज भी निभा रहा हूं, आगे भी तेरे काम बनाने पे मजबूर हूं, पर हो सकता है तुझे दिल में बैठाऊं कि ना बैठाऊं, वो मेरी मर्जी। मैंने बोला सही बात है। बोले जिस मां को मैंने वचन दिया था, आज तुम घोर कलयुगी, दो मिनट अपने मां बाप को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं तो वचन आज भी निभा रहा हूं। तालियां बजाओ ना। बड़ा सुंदर सवाल किया बाबा ने, जवाब मैंने सवाल किया, जवाब मुझे क्या मिला सुनो। मैंने जो मां को वचन दिया था उसको मैंने निभाया, मैंने जो मां को क्या मैं ज्यादा ऊंचा गा रहा हूं, गा सकते हो ना, तो तालियां बजाकर गाओ। मैंने जो मां को वचन दिया था उसको मैंने निभाया, बोलो। मैंने जो मां को वचन दिया था उसको मैंने निभाया, पग पग पर तेरी रक्षा करता, पग पग पर तेरी रक्षा संकट से बचाया, पग पग पर तेरी रक्षा करता, हर
मतलबी है तू इंसान, फायदा बचनों का उठाता है। मतलबी है तू इंसान, फायदा बचनों का। मैंने बोला बाबा मुझसे गलती हुई, अंत में माफी मांगी, जिन्हें मांगनी हो मांग लेना। अन्नू मुझको जो भी मिला है ये सब तेरी माया। बोलो अन्नू मुझको जो भी मिला है ये सब तेरी माया। देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे दादाजी लोग ने जिस बीज को बोया, आज हम परिवार वाले उस बीज को आगे बढ़ा रहे, और बचपन से ही बाबा के बारे में देखते आए, सुनते आए, यानी कान आंख खुली तो कान के अंदर सबसे पहला शब्द यही आता, बोलो जय श्री श्याम। और बड़े सौभाग्य की बात है इतने अच्छे माता पिता मिले हैं। जीवन में कभी सोच नहीं सकता कि कभी मैं भी, बचपन से शौक था बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, पर पापा ने बनने नहीं दिया। जब जब बिजनेस करने की कोशिश करी तब हमने कुछ ना कुछ घोटाला उसमें डाल दिया। आज बड़ा ही हर्ष होता है जब पिता बैठे हो सामने और उनके सामने उनका बच्चा गा रहा हो और उन्हीं की लेखनी गाता हो, तो पिता के लिए भी बड़ी हर्ष की बात है। मेरे पूज्य पिताजी दरबार में बैठे हैं, अन्नू आपने जितने भी भजन सुनते नहीं, मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलवेली, छुपा कहाँ आजा छलिया, श्याम बिहारी खोल की वाड़ी, ये सब मेरे पिताजी की देन है। आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है राजू भैया, इतने साल की तपस्या आज मैं और मेरे बड़े भाई दोनों इनके लिखे हुए भजन गाते हैं। बड़ा ही हर्ष होता है कि आज इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं इन्होंने दी है श्याम जगत को, और खुद यात्रा में चल रहे हैं। इससे बड़ा हर्ष का मौका नहीं हो सकता मेरे लिए। मेरे लिए तो तीर्थ समझ लो मेरे पिताजी ये यात्रा में जाने, इससे बड़ा तीर्थ कुछ नहीं हो सकता। एक बार दोनों हाथ खड़े कर लेना सारे मिलकर, और मिलकर बोलना अन्नू मुझको जो भी मिला है ये सब तेरी माया। बोलो अन्नू मुझको मिला है ये सब तेरी माया। स्वार्थ की दुनिया में फंस कर तुझसा साथी खोया। इसीलिए बोल देना बाबा से, हो तेरा दोषी हूँ मैं घनश्याम, सदा अपनी ही सुनाता हूँ। वो तेरा दोषी हूँ मैं घनश्याम, सदा अपनी ही सुनाता हूँ। वो तेरा दोषी मैं घनश्याम, सदा अपनी सुनाता हूँ। गलती स्वीकार करने से छोटे नहीं हो जाओगे। कौन कौन अपनी गलती मानना चाहते हैं, दोनों हाथ खड़े कर लेना, दोनों हाथ, किसी के हाथ नीचे ना रहे, बगल वाला ना उठाए तो पकड़ कर उठा देना, उसका दोष आपको लग सकता है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजा, वो तेरा दोष खाटो। देखिए तीन भजन मैंने गाए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, छंद लाइने सिंगार इतना सुंदर है, नजर उतार ले बाबा की। हाँ इतना जोर से बोले ना डर। हाँ जा रहे हैं आप, जा रहे हैं? अच्छा जो कीर्तन से उठकर जा रहे हैं, कीर्तन की रात है, यूं ना जाइए, आपको बाबा की कसम बैठ जाइए, अब जिन्हें जाना वो जाए। बाबा आए खाटू से, फागण लग चुका है। पांच ना 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 ना
बोली सांचे दरबार की, बोली श्याम प्यारे की, बोली होरी के रसिया की, बोली बातचीत करने वालों की, धन्यवाद। श्रृंगार कितनों को प्यारा लग रहा है? सबको सामने वीवीआईपी हाँ उठा ले, पड़ोसी से मांग कर पाए। बोली सांचे दरबार की नजर लगाई देगी, ये नारी कोई नजर लगाई देगी, नजर लगाई देगी, नारी कोई नजर लगाई देगी, इतना मत कर श्याम सुनगा, ये नारी कोई नजर है ना। कल बसंत पंचमी थी, श्यामा श्याम सलोनी सूरत पे श्रृंगार, श्रृंगार बसंती है, बसंती है वो श्रृंगार, ये देखो हर हार बसंती है श्यामा। अब नजर फुड़कुण उतारे वो, ओहो
बन तेरे बैना मधुर गो बन तेरे बैना मान ले कछ मेरा कहना मान ले कछ मेरा कहना अगर बात नहीं मानी मधुमक्खी कर दोए मधुमक्खी कर दोए गुठलिया पे चिपकाए लेगी मधुमक्खी कर दोए गुठलिया पे चिपकाए कौन कौन बोलेंगे एकदम विराम पंक्तियां दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाओ ना पड़ोसी के देखते हैं हाथ नीचे हो तो पकड़ कर उठा दोनों हाथ उठाओ चंदन के छिड़काव का कौन कौन चाहता कि बाबा की नगरी में यूं ही होता रहे दोनों हाथ उठा के बोली श्याम प्यारे की अब आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय नहीं लेते श्याम कला भवन आप सभी श्याम प्रेमियों का बहुत बहुत आभारी है दोनों की तरफ से है ना अब दरबार में राज भाई राज भाई खड़े हो जाओ नाम तो जानते ही होंगे आप छोटा भाई राज पारिक आप सभी के सामने बाबा के दरबार में हाजिर रखेगा मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम चाय पी के आता हूँ उतनी देर ये लोग संभालते हैं उसके बाद फिर आऊँगा कड़े नहीं माँ जुड़ू कम मार बैठे रहे बोला सांचे दरबार की खाटू ओहो इतनी सुंदर जगह हाँ दिल गार्डन गार्डन हो जोर से बोलो अच्छा एक बार बोलो हैप्पी दिवाली मैंने बेरो तो मारा राजा भी अकड़े भाई बारह महीना बोले गुण गुण बारह महीना दिवाली बनाना चाहे दोनों हाथ खड़ा करके बोले हैप्पी बोले खाटू बोले हारे के बोले लखदा तारी के आइए आप सभी के सामने राज बारिक लगा
श्रुति सिमरा माशारदा मेरे कारज करो हमेशा। हमें गणेश जी महाराज की लाली दे हलाली लसे आरुद हरि लाल लगो वज्र देह दानव दलने जय 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 कपिसो। पूरी बालाजी महाराज की श्याम श्याम मंगे श्याम है जीवन श्याम भगत जग में पड़े मैं उनको करूं प्रणाम। बुलंद आवाज में बोले भाटू नरेश की बोले हरे के सहारे की बोले श्याम प्यारे की। प्रेमियों 71 दिनों की इस यात्रा में आज शायद 42वां 43वां दिन ये जहां जहां भी यात्रा जा रही है ना जितने भगत वहां के हैं जैसे आज कानपुर में आए हैं तो कानपुर के जो भगत हैं आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है पता है। ये तो यात्रा 43 दिन की करके आ रहे हैं हो सकता है 43 दिन से थके हुए रहे हो किसी की नींद पूरी ना हुई हो किसी के पैर दुख रहे हो किसी के हाथ दुख रहे हो लेकिन जो कानपुर वाले हैं उनकी जयकार सुन के उनके भजनों की आवाज़ सुन के जब ये यहाँ से आगे बढ़े ना तो आपका जोश इनमें जुड़ जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी जो जोश आप लोगों का आपकी भक्ति जुड़ेगी तो 71 दिन में ये जो 50-60 लोग जा रहे हैं ना ये 50-60 नहीं जाएंगे 50-60 हज़ार श्याम प्रेमियों की। आज ये सोचकर मत गाइएगा कि बस कीर्तन करने का मौका मिल गया आज ये सोचकर गाइएगा कि आपकी अर्जी आपकी चिट्ठी खाटू तक जा रही है। एक बार बुलंद आवाज में बोलिए खाटू नरेश की जयकार से पता पड़ना चाहिए कि भगत बैठे हैं। बोलिए हरे के सहारे की श्याम प्यारे की हम पे क्या बीती किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए तुमको पता है सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये कानपुर में बैठे हैं हाँ कानपुर में बैठे हैं हम नहीं खाटू धाम में बैठे हैं ये मान लो कि कला भवन के उस प्रांगण में बैठे हैं। किस किस को ऐसा महसूस हो रहा है बताओ जरा आपको क्या बात है। अब वैसे ही 11 की रात में जैसे कला भवन में कीर्तन होता है बिल्कुल वैसी तालियां चाहिए जितनी देर कीर्तन चले 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कुछ पता नहीं है बाबा की जितनी इच्छा बाबा की जितनी मर्जी उतनी देर गवाएगा और अगर उसे आनंद और आने लग गया तो घड़ी बंद कर देगा। बोले श्याम प्यारे आई कौन कौन गाएंगे जरा उठा के हाथ बिल्कुल सीधे तालियां बजाकर सुन ले कन्हैया Oh,
अपनी चिट्ठी जा रही है, कौन कौन भेजेगा अपनी चिट्ठी, हाथों उठा के हाथ, एक एक हाथ से सारी
अच्छी लगे और समझ में आए तो गाना सुन ले ओ खाटू वाले, ये जीवन तेरे हवाले। सुन ले ओ खाटू वाले, ये जीवन तेरे हवाले। हमने जीवन में अपने आप को श्याम प्रेमी कहा है, क्यों बाकी लोग अपने आप को प्रेमी नहीं कहते? बाकी लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो खुद को भगत कहते हैं, लेकिन जो श्याम बाबा पर विश्वास रखते वो अपने आप को श्याम प्रेमी कहते हैं। ये प्रेमी शब्द क्यों जुड़ा हमारे साथ? सुन ले ओ खाटू वाले, ये जीवन तेरे हवाले। सुन ले ओ खाटू वाले, ये जीवन तेरे हवाले। हम बन गए तेरे प्रेमी, अब हमको भी अपना ले। हम बन गए तेरे प्रेमी, अब हमको भी अपना। बाबा दुनिया में लोग ईश्वर से भगत वाला रिश्ता रखते हैं, वो सामने झुकते हैं तो भगत बनकर झुकते हैं, लेकिन हम भगत बनकर नहीं, हम तेरे प्रेमी बनकर झुकते हैं। तेरा हमारा नाता भगत वाला नाता नहीं है, ये नाता तो प्रेम का नाता है। ये नाता तो बोलो प्रेम का नाता है। प्रेम हो तो सांवरा आता है। तेरे हमारे बोलो सुन ले ओ खाटू वाले, ये जीवन तेरे हवाले। हम बन गए तेरे प्रेमी, अब हमको भी अपना ले। हम बन गए तेरे प्रेमी, अब हमको भी अपना ले। तो माइक सिर्फ माध्यम होता है हमारी आवाज आप तक पहुंच पाए, इसकी आड़ में अपनी आवाज मत छुपाइए। असली कीर्तन आपकी आवाज से होगा बाबा, हमारी आवाज और इस माइक से नहीं आता बाबा, आपकी आवाज से आता है। कीर्तन हो रहा है ये तब पता चलता है जब उन पर आपकी तालियां भारी पड़े। प्रेम करो पापा से, ये भी प्रेम करेंगे। हाथ तेरे उठते ही उनके कदम बढ़ेंगे। हाथ तेरे उठते ही उनके कदम बढ़ेंगे। चीरहरण की कहानी सबने सुनी है ना? कब तक नहीं आए थे बाबा, कब तक नहीं आए थे कृष्ण? जब तक एक हाथ ऊपर था और एक हाथ साड़ी पर था, जब दोनों हाथ ऊपर हुए तो उसे आना पड़ा। अरे प्रेम करो बाबा से, ये भी प्रेम करेंगे। प्रेम करो बाबा से, ये भी प्रेम करेंगे। हाथ तेरे उठते ही उनके कदम बढ़ेंगे। हाथ तेरे उठते ही उनके कदम बढ़ेंगे। जब उसके कदम बढ़ेंगे और आपके कदम बढ़ेंगे तब क्या होगा? फिर होगा संगम ऐसा, देखा ना पहले जैसा। फिर होगा संगम ऐसा, देखा ना पहले जैसा। सुनाता तो नाता है, प्रेम हो तो सुनाता तो प्रेम का नाता है। प्रेम हो तो वाले, ये जीवन तेरे हवाले। बोलो सुन ले ओ खाटू वाले, ये जीवन तेरे हवाले। हम बन गए तेरे प्रेमी।
जब प्रेम तो कुछ भी ना सुहाए हो जाए, जब प्रेम तो कुछ भी ना सुहाए, आंखों के आगे बस रूप तेरा ही आए, आंखों के आगे बस रूप तेरा ही आए। क्या दिन क्या शाम सवेरा हर अक्स में तेरा चेहरा, क्या दिन क्या शाम सवेरा हर अक्स में तेरा ये नाता, ओ, नाता है। प्रेम हो तो आता है ये नाता, तो प्रेम का नाता है, प्रेम हो तो जितने लोग बैठे हैं वो तो शाम प्रेमी है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो बाहर से आएंगे या बाहर खड़े होंगे या कल आपसे पूछेंगे कि क्या हो रहा था, वो शाम प्रेमी नहीं होंगे। लेकिन जब वो इंसान आपको उदास दिखाई दे जिंदगी में कभी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान शाम प्रेमी है, कई लोग हैं जो आज भी नहीं जानते बाबा को, जिन्हें नहीं पता कि ये शीश क्या है, जब वो आपको उदास दिखे तो उनसे कहिएगा इसके आगे हार जा, तन मन अपना वार जा, लाख हो गहरा समंदर तू बिना पतवार जा, आके दामन थाम लेगा फिर किनारा शाम देगा, जिंदगी भर काम देगा सावरा मेरा, सावरा सावरा मेरा, सावरा। भटके क्यों कर बदल कर भरोसा शाम पर। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहली बार श्याम बाबा के कीर्तन में आया है, पहली बार कोई भी अगर है तो ईमानदारी से हाथ उठाए। एक भाई साहब, दो तीन चार यहाँ पर प्रेमियों, देखो एक भाई वहाँ पर बैठे हैं। हर कीर्तन में आपको एक दो व्यक्ति ऐसे दिख जाएंगे जो पहली बार बाबा के कीर्तन में आ रहे हैं। ऐसा होने पर ना हमारी जिम्मेदारी, जो श्याम प्रेमी अपने आप को कहते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कैसे? ये जो नए लोग आए हैं इनको नहीं पता कि श्याम कीर्तन क्या होता है, श्याम प्रेमी कौन है, कैसे है। लेकिन आज कीर्तन के बाद जब ये घर लौटे तो ये ना कहें कि ऐसे होते हैं श्याम प्रेमी, जब वो यहाँ से जाएं तो चिल्लाते हुए जाएं कि ऐसे होते हैं शाम। ये हमारी दिखना चाहिए, किस किस को भरोसा है जरा बताओ, बाबा को हाथ खोल कर जरा मिलकर सबको गाना है, सबका सुनावा भजन। भटके क्यों कर बदल कर भरोसा शाम पर, नहीं कहूंगा कीर्तन के बीच में, एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग हिचकिचाते हैं हाथ उठाने में, जो हिचकिचाते हैं तालियां बजाने में, सिर्फ उनके लिए, एक छोटा सा बच्चा भी अगर आपसे प्यार करता है तो आके आपकी गोद में बैठता है, बगल वाले की गोद में नहीं बैठता। एक छोटे से बच्चे को भी बताएं कि भरोसा कैसे जताना है, आप तो बहुत बड़े हैं, ये मत सोचिए कि राजपारी कह रहा तो तालियां क्यों बजाएं, उसके कहने से क्यों बजाएं, मेरे कहने से नहीं। कीर्तन में बैठे हैं बहुत नसीब वाले वो लोग होते हैं जिनको हाथ मिलते हैं और हाथों में ताकत मिलती है तालियां बजाने की और कीर्तन में बैठकर अपने हाथों की लकीरें बदलने की। आपको मौका मिला है, मत छोड़िए, और आगे हाथ, एक एक हाथ ऊपर, मुसीबत से उबारा, जिसने भी दिल से उबारा, हर मुसीबत से उबारा।
आज 11 तारीख है प्रेमियों, 9 तारीख तक
कोई भी कारण नहीं था कि जिस कारण से मैं इस यात्रा में जुड़ सकूं। 9 तारीख को अचानक हमारे श्याम भाई का फोन आता है किसी और कारण से, और बीच बीच में बात चलती है और वो बताते हैं कि भाई 11 तारीख को कानपुर में पड़ाव पड़ रहा है और मेरी टिकट कहीं और की, कुछ पता नहीं भाई साहब ये कब कहां खड़ा करवा। जिसे ठुकराए जग वाले उसे मेरा श्याम अपनाता, जिसे ठुकराए जग वाले उसे मेरा श्याम अपनाता, बना मायत इसे अपना, बना मायत इसे अपना, मुझे चाहो भर ले भटकने की जरूरत न तुझे कभी नहीं कर भटकने की, तो एक बड़े मांग के तो दे, तो एक बड़े मांग के तो दे, वो तेरी झोली भर देगा, पर विश्वास कर, है फरेबी ये जमाना, शाम पर विश्वास कर, कौन है तेरा यहाँ ना किसी से आस कर, है फरेबी ये जमाना, शाम पर विश्वास कर। मैंने शुरुआत में क्या कहा, ये भजन श्याम प्रेमियों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो श्याम प्रेमी नहीं है। कहना है उनसे दिल लगा दिलदार से, हमने तो दिल लगा लिया और दिल लगाने के बाद ये नतीजा है। दिल लगा दिलदार से, सांवरे सरकार से, दिल लगा दिलदार से, सांवरे सरकार से, और संजू कह दे प्यार से, सांवरा मेरा सांवरा मेरा, भटके क्यों भटके क्यों, जो जाते खाट उनसे पूछ वो जाने महिमा बाबा की, जो जाते खाट उनसे पूछ वो जाने महिमा बाबा की। आज एक एक भगत ये बात कह रहा है कि इस 71 दिवसीय यात्रा में श्याम बाबा भक्तों के साथ साथ चल रहे हैं। इस यात्रा के बारे में जब भी सुनता हूं ना, मुझे कहानी याद आ जाती है। एक भगत सुबह सुबह उठा, जैसे ही चला सबसे पहले मंदिर गया बाबा के, और जाकर रोने लगा, कहता है बाबा तुझे पता है कोई इंसान चलता है तो उसके कदमों के कितने निशान बनते होंगे, 2 निशान। बाबा मेरे पे इतनी कृपा थी कि मैं चलता था तो कदमों के 4 निशान बनते थे, 2 मेरे और 2 तो मेरे और 2 तेरे बाबा,
लेकिन आज सुबह जब मैं उठा, मुझे पता था मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया की फितरत है बाबा, दुनिया तो बुरे दिनों में साथ छोड़ती है, लेकिन बाबा निशान चार से दो नहीं होने चाहिए। ये जग रूठे तो रूठ जाए, शाम ना रूठना हमसे। ये जग रूठे बाबा, दुनिया रूठी चलेगा, लेकिन निशान चार से दो कैसे हो गए, तूने साथ कैसे छोड़ दिया। कोई जवाब आया नहीं, लेकिन जब आंखों से आंसू गिरने लगे, तब उसके कानों में एक छोटी सी आवाज पड़ी, बोले बेटा तूने कैसे सोच लिया कि तेरे अच्छे दिनों में मैं तेरे साथ था तो बुरे दिन में नहीं होऊंगा। अच्छे दिन में निशान चार थे, क्यों थे, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलता था। बुरे दिन में निशान दो हो गए, क्योंकि बेटा तू चल भी नहीं रहा, तू तो मेरी गोद में बैठा है, ये निशान भी मेरे पैर के हैं, तेरे पैर के नहीं। कीर्तन में आकर बैठकर अगर आंखों से आंसू गिर रहे हो तो पोछा मत करो। तेरी आंखों का हर आंसू, तेरी आंखों का हर आंसू सावेरा मोती कर देगा। तेरी आंखों का हर आंसू सावेरा मोती कर देगा। जो जाते खाटू उनसे पूछ, वो जाने महिमा बाबा की। बोलो जो जाते खाटू उनसे पूछ, वो जाने महिमा बाबा की। कोई कहता है बाबा पैसे मांगने वालों के काम पहले बनाता है, जो माया मांगते हैं बाबा सबसे पहले उनकी सुनता है। हमने कहा सही बोला बाबा, माया मांगने वालों की ही पहले सुनता है, लेकिन कभी सोचा है क्यों सुनता है। भाई साहब जो माया मांगता है ना बाबा सबसे पहले उसको देता है, लेकिन सबसे पहले छुट्टी भी उसी की करता है। जो प्रेम मांगते हैं ना वो दरबार में बैठते हैं, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस पास तुमसे है लाज रखना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा। और दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मोह मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। ये जो यात्रा वाले हैं, मैं कह रहा हूँ ना एक एक लाइन आप पे सूट करती है। अरे इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया शाम से नाता। प्रेमियों एक काम करोगे, एक बार अपने लिए मत गाना, एक बार निवेदन करता हूँ, एक बार इन जितने ही हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भाई बैठे हैं जो इस यात्रा में चल रहे हैं, 71 दिन की ये यात्रा कर रहे हैं, एक बार इनके लिए दुआ करके, एक बार जरा दोनों हाथ खोल करके, और अपने लिए बिल्कुल नहीं, इनके लिए मांगना और कहना दोनों हाथ ऊपर करके, नाता जोड़ लिया शाम से नाता जोड़ लिया। अब ये जो ताली बजेगी दरबार में, इसका पावर समझ में आ जाएगा कि ताली क्यों बजेगी। ये ताली इनको हिम्मत देने के लिए बजेगी, आप जितनी ताकत इन्हें देना चाहते हैं उतनी जोरदार तालियां बजाना, आपकी तालियों की ताकत इन तक पहुंचेगी, आधा पहुंचाएगा। कौन कौन बजाना चाहता है, आगे हाथ, एक एक हाथ से 1 2 3। साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस पास तुमसे है लाज रखना बाबा, आस पास तुमसे है लाज रखना बाबा। दुनिया वाली गलियों से
जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया साची कह दे बाबा साची साची कह दे बाबा साची साची कह दे बाबा साची साची कह दे बाबा देखो एक बार तालियां सुना दो जरा एक बार कला भवन वाली तालियां साची साची कह दे बाबा साची साची कह दे बाबा साची साची कह दे बाबा कौन लागू मैं तेरो कौन लागू मैं तेरो कौन लागू तू मेरे कौन लागू मेरे कौन लागू मेरा कौन लागू ओ हो साची साची कह दे बाबा साची 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 कह दे बाबा साची साची कह दे कौन लागू मैं तेरो कौन साची साची कह दे बाबा कौन लागू मैं तेरो कौन लागू मैं तेरो कौन लागू तू मेरो कौन लागू कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा कि आज इतना तुमने करे ना कोई सगा कि आज इतना तुमने करे ना कोई सगा और जीवन का हर फैसला तुझ पे छोड़ दिया इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया नाता किसने दिनेश दिनेश भैया प्रेम मंडल दरबार में हाजिर है आ जाए सभी वहां से आगे आ जाए पीछे हाँ वहां से देखिए एफ करी ज्यादा लोग ना उठे नहीं तो व्यवस्था खराब हो जाएगी प्रेम मंडल के सभी सदस्य वहां से आ गए जाए बढ़िया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएगा जगह बना दीजिए प्लीज लोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुनते और सुनकर तेरे परिचों को सपने यही बुनते थे सादा लोग ना उठे व्यवस्था खराब हो जाएगी प्लीज हमको भी उबारोगे जैसे सबको उबारा और घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने बचपन से सुना हमने मालिक तू हमारा घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने कौन कौन गाएंगे बचपन से सुना हमने मालिक तो हमारा है
घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने। भैया बैठ जाइए। देखिए यार, मुझे लगा था मुझे थोड़ी देर बाद ये लाइन मैं गाऊंगा, लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया है लाइन गाना। बैठिए प्लीज। जिम्मी भैया एक सेकंड डट जाओ। अरे जिम्मी भैया डट जाओ। मैंने सोचा था थोड़ी देर बाद गाऊंगा, लेकिन बहुत जरूरी हो गया। लोगों को लग रहा है कि जगह कम पड़ रही है, हैं? लोगों को लग रहा है जगह कम पड़ रही है। 100-100 ग्राम आगे के सक जाओ। 100-100 ग्राम नहीं नहीं, मैं बोलूं एक एक इंच को दान कर दो। सुनो, ये और बात है कि घर मेरा कुछ छोटा है। कानपुर वालों की तरफ से गा रहा हूं मैं। ये और बात है कि घर मेरा कुछ छोटा है। ये और बात है कि घर मेरा कुछ छोटा है। जगह दिखने में छोटी लग रही है, लेकिन प्रेमियों, तेरे रहने की खातिर दिल हमारा ही बहुत है। तेरे रहने की खातिर दिल हमारा ही बहुत है। एक तेरी दुआओं का सहारा ही बहुत है। अच्छा भी बहुत है, हमें प्यारा ही बहुत है। किसको जीने की तमन्ना है उम्र भर मोहन। हाँ, किसको जीने की तमन्ना है। देखो मुझे, मैं एक मिनट का समय ले रहा हूँ, सुनिए। एक छोटा सा हादसा जो शायद सभी भूलना चाहते हैं, कोई याद नहीं रखना चाहता, लेकिन एक छोटा सा हादसा जो इसी कला भवन की यात्रा में हुआ। लेकिन प्रेमियों, बताऊं आपको एक बात, उस हादसे के लिए इन दो लाइनों से बेहतर कोई लाइन नहीं है। किसको जीने की तमन्ना है उम्र भर मोहन। हाँ, किसको जीने की तमन्ना है उम्र भर मोहन। दो पल जो तेरे साथ गुजारा ही बहुत है। दो पल जो तेरे साथ गुजारा ही बहुत है। एक तेरी दुआओं का सहारा ही बहुत है। अच्छा भी बहुत है, हमें प्यारा भी बहुत है। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। दावे से कहते हैं खाटू जैसी होगी। वो दावे से कहते हैं खाटू ही होगी। मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैं खाटू जा रहा था, एक प्रेमी मेरे साथ जा रहे थे गाड़ी से। तोरण द्वार पर जैसे ही हमने कदम रखा, जैसे ही तोरण द्वार पार किया, अचानक से घूम गए पीछे की तरफ। पता नहीं 10 सेकंड के लिए क्या किया, फिर वापस घूम गए। मैंने बोला, भैया ये क्या हुआ, ये आपने क्या किया थी? बोले, भाई आपने 2-2.5 साल पहले कुछ लाइनें लिखी थी, मैं तोरण द्वार पार कर चुका हूँ, यानी कि मैं खाटू की धरती पर हूँ और पीछे सारी दुनिया है। मैं सारी दुनिया को देख कर ही बताना चाहता हूँ, दुनिया कहती है हमें मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, लेकिन हम खाटू में खड़े हैं। अरे जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला, हम मरने पर क्या माने। जब दिन बोले मिलता, हम बोल के क्या मांगे। जब दिन बोले मिलता,
हम गोविंद के। आपको पता है प्रेमी चलता रहे आपको पता है जहाँ जहाँ पड़ाव पड़ रहा है श्याम भैया, जहाँ जहाँ पड़ाव पड़ रहा है प्रेमी किस तरह इंतजार कर रहे हैं आपको पता नहीं। आपके बाद आगरा में पागल हो रखे हैं सारे, जयपुर में पागल हो रहे हैं सारे, कब हमारे यहाँ पर पड़ाव पड़े, कब हम स्वागत में पीछे पड़े हैं सारे। और इससे अच्छी पंक्तियां कानपुर वालों की तरफ से हो ही नहीं सकती। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार, बोलो हाथ ऊपर करके बोलो, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, सजा दो घर तो गुलशन, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे सरकार आए। बुला लो सारे भक्तों को, बुला लो सारे भक्तों को, कोई भी छूट ना जाए। बुला लो सारे भक्तों को, कोई भी छूट ना जाए, कोई भी छूट ना जाए, कोई भी छूट ना जाए। हम बोल रहे हैं, हाँ बोलिए, हमारी गहरी मौसी जी दरबार में है, जो थोड़ी मोड़ी कमी लग भी रही थी वो पूरी हो जाएगी। आ जाओ मौसी जी, आदरणीय मौसी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। श्याम भाई क्या कहोगे? मन के बाता सावरिये आज सुना करते, आज सुना करते, सुन सी सुन सी खाटू वालो, सुन सी सुन सी खाटू वालो, सुन सी सुन सी ताब मारो, सुन सी I'm
सहमा हुआ रहता है और सहमा हुआ इंसान तालियां नहीं बजाता कीर्तन में, कीर्तन में तालियां वही बजाता है जो सब कुछ इसके हवाले छोड़ कर आता है। एक बात कहूं आपसे, आज जितने भाई आए हैं यहाँ पर, रूपम, शुभम, मैं, जिम्मी भैया, जितने भी लोग आए ना, हम लोग भले ही 365 दिन भटकते रहे इधर उधर, लेकिन विश्वास मानो ऐसे कीर्तन के लिए हम भी तरसते हैं। ऐसे आज 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 कह सकता हूं, मैं हर जगह नहीं कहता ये शब्द क्योंकि ये बहुत भारी शब्द है, ऐसे अखाड़ों के लिए हम भी तरसते हैं। प्रेम से बोलिए जय, जोर से बोले, दोनों हाथ उठाकर बोले, श्री श्याम कला भवन और श्री श्याम मित्र मंडल कानपुर, भाई राज पारिक का बहुत बहुत आभारी है। अपने मन से, किसी के बुलावे से नहीं आए, खुद पर खुद आए, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां छोटे भाई के लिए। और आदरणीय परम आदरणीय मौसी जी, हम सभी के बीच में एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाएं इनके लिए। पूरा जीवन बाबा श्याम के चरणों में इन्होंने बिता दिया। श्री श्याम कला भवन और श्री श्याम मित्र मंडल कानपुर, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। और हाँ, अरे तो मैं तो संस्थान वो मुख्यमंत्री, मैं भी कुछ लेवा आया हूँ भाई। अपनी संस्था आ रही तो बीच बीच में चेहरा दिखाना पड़ता है ना, ड्यूटी निभानी पड़ती है, बोले साचे दरबार की। और श्री श्याम प्रेम मंडल कोलकाता, वो भी आज पूरी बटालियन के साथ, पूरे श्याम प्रेमियों के साथ आज यहाँ पर है। श्री श्याम कला भवन और श्री श्याम मित्र मंडल कानपुर, बहुत बहुत आभारी इनका। अब आइए दरबार में आओ, वो माजड़ो कम मार तो खड़े हो, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं एक्चुअली। शुभम रूपम दरबार में अपनी हाजिरी रखेंगे, पर जोरदार जयकार लगाएं, बोली खाटू, ओहो एहसान कर दिया दिल, ढंग से जयकार लगा दिया, बोला खाटू, बोला श्याम, अच्छा कुमार, दोनों हाथ उठाकर जयकार एक बार, बोलो हाने के, ले भाई तेती देर कड़ा चुम्मा खा रहे हो, ओहो व्यवस्था ठीक है। हेलो 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 हेलो, मैं उठ रहा हूँ, आ रहा हूँ, हेलो उठ के आ रहा हूँ, बी फ्लैग, हेलो बोले बोले पड़ेगा मास्टर, बोले श्री, हेलो 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 हेलो, चेक गेन और मिड बताइए इसका, थोड़ा सा डिले कम कर दीजिए। हेलो
हेलो हेलो एक बार जी कर दीजिए एक बार जी बोलिए गणेश जी महाराज की बोलिए गुरु जी महाराज की बोलिए सरस्वती मैया की जय खाटू नरेश की कार के सहारे की जय शीश के दानी की जय रानी सती दादी की जय जगदम्बे राज रानी की जय शंकर भगवान की जय वीर बजरंग बली की जय वक्तुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय 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 माता पिता जिनसे भया शरीर जय 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 गुरुदेव को जन दिया भजन में शे दीने मांगड़ वाला भूत फिर भी देवे मोक लो जो लेवे बाबारी ओठ हाथ जो सुनियो चित लगा दास आ गया शरण में रखियो मारीला जगदम्बा जगतारिणी श्री चतुर्भुजा मेरी माँ भूल चूक सब माफ करो माँ रखियो सिर पर हाथ लाल देख लाली लसे अरु भर लाली लंगो पंच देव दानो दलन जय 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 कपीसु हरियो थोड़े थोड़े आप लोग पीछे हो जाएं थोड़े थोड़े देखिए थोड़ी सी जगह पीछे वालों से अनुरोध मैं जानता हूँ कि जगह नहीं है बट फिर भी थोड़ी सी जगह बनाएं थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं फिर विनती थोड़ा सा सहयोग करें थोड़ी थोड़ी जगह भी निकली तो बहुत जगह हो जाएगी दरबार में थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं जितने भगत हैं सभी से विनती सबसे पहले तो एक ऐसी जयकार जो अभी तक मैंने नहीं सुनी एक बार जरा दोनों हाथों को उठाकर जोरदार आवाज में जयकार आपकी बिल्कुल बिल्कुल लंबी जयकार जब तक सांसें आपका साथ ना छोड़े तब तक वो जयकार की ध्वनि इस पंडाल में गुजरनी चाहिए एक बार जरा दोनों हाथ जितने भगत इधर उधर है सब देखो भाई हाथ उठा लो पहले तो जो करीब बैठे बाबा के आगे वाले पहले हाथ उठाओ पूरे पूरे इसकी कृपा में कोई कमी है क्या नहीं ना इसकी कृपा में कोई कमी नहीं तो आपके हाथों में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए एक जोरदार जयकार बोलिए खाटू नरेश की हरे के सहारे की शिष्य के दानी की आइए ये वो भाव है
कभी कभी सच बोल रहा हूँ, कभी कभी जब हम गाने खड़े होते तो हम सोचते हैं ये भजन आज नहीं गाएंगे, लेकिन पहला भजन जब स्टार्ट करते हैं, प्लीज शांति बनाए भैया, कृपया शांति बना के रखें प्लीज। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। लेकिन जब पता नहीं इसके दरबार में जब खड़े होते हैं तो एक बार चाहे माइक में ना बोलूं तो भी बोलने का मन करता है, जितने भगत हैं सब साथ में मिलकर गाना मेरे। जाके सिर पे हाथ मारे श्याम धनी को वे खाटू वाले को वे बाको बाल न बाको वे जाके कानपुर जब जब आया हूँ तब तक तब तब कानपुर को भूल नहीं पाया हूँ, जब जब कानपुर आया हूँ तब तब कानपुर को भूल नहीं पाया हूँ। एक बार जरा उठाओ ऐसे हाथ, सुनो इस बार तालियां ऐसी बजाना कि बाबा आपको भूल ना पाए, उठाओ पूरे पूरे हाथ और जरा तालियां बजा कर गाना जाके सिर पे देखो, अगर आपको अपने हाथों पर भरोसा हो कि ये थके नहीं तभी दोनों हाथों को उठाना और जरा बताना शाम नाम की तालियां, एक ये दो ये तीन ये चार। जो व्यक्ति 24 घंटे में दो बार चाय पीता है वो 4 घंटे के कीर्तन में 6 बार चाय पीता है, समझ में नहीं आती, उधर चाय चल रही होगी इधर कुछ और चल रहा होता है, बजाओ ना ये बात। दुनिया की मस्ती में मत भूल बाबा ने, दुनिया की मस्ती में मत भूल बाबा ने, योगी तेरे काम में तो जैया मनाओ बा यो मान जावे गो, जैया मनाओ बा यो मान जावे गो, सागर का मेला आ रहा है, जिसका हाथ सच्चे दिल से दरबार में ऊपर हो
बड़े धूमधाम से बुलाना है, देख लेना कौन कौन बजा रहे हैं तेरे नाम की तालियां। उठा लो अपने हाथों को और बजा के शान नाम की तालियां। एक दो क्या बात। एक बार मैं हाथ उठे हमारी माता बहन इधर से एक बार जाओगा हर बार जाओगा 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 बाबा के हर बार जाओगा बाबा के मेले में। आनंद ही आनंद है अमृत की वो वर्षा, आनंद ही आनंद अमृत की वो वर्षा। आटोगे गेले में आनंद ही आनंद अमृत की वो वर्षा। खाटोगे शुभम रूपम परिवार शाम को टाण के कूटी सोए ये बाबा को परिवार शाम को परिवार संगरो टाण के कूटी सोए है। अच्छा बताओ कौन कौन मेरी बात से संतुष्टि समर्थन देता है कि जिसके सिर पे बाबा का हाथ उसका बाल भी भाटा नहीं हो सकता। एक बार जाए लंबे लंबे हाथ ये दो एक भी हाथ नीचे नहीं दरबार में ये बड़े बड़े हाथ उठाकर अच्छा जोर लाल तालियां बजाकर गाना क्या कहोगे। अरे जाके सिर पे देखो इतने दिन की यात्रा के बावजूद भी प्रेमियों के चेहरे पे कोई थकान कुछ खास नजर नहीं आ रही। एक बार जोरदार तालियां बजाओ जोरदार तालियां। दरबार में हाथ वो जो उठने को हर वक्त तैयार हो, सर वो जो झुकने को हर वक्त तैयार हो, और जवान वो जो इसका नाम लेने को हर वक्त तैयार। इसके दरबार में आकर नखरे दिखाए तो नखराड़ो सांवरियो इसको क्यों बोलते हो, अपने आप को ही बोलते। इसके दरबार में आकर बोलो बाबा को कि बाबा हुकुम करो कैसे हाथ उठाना मैं तैयार हूँ, हुकुम करो कैसी तालियां बजानी है मैं तैयार हूँ। बोल कैया हाथ में उठाऊ सांवरा, बोल कैया हाथ में उठाऊ सांवरा। बिना माइक के कौन कौन गा सकते हैं दो लाइन, एक बार गा कर सुनाओ बाबा को। बोल कैया हाथ में उठाकर दिखाओ और बोलो
तैयार बैठा। अरे बोल कुण सी ताली बजाऊं सावला, अरे बोल कुण सी बोल बाबा बोल। देखो इस बात की तो मुझे पूरी गारंटी है, कोई तकलीफ नहीं हो सकती दरबार में। तकलीफ दूर ही होगी, तकलीफ आएगी नहीं तब फिर सोचना क्या कि दर्द होगा कि क्या होगा। बोल कहीं नाच के दिखाऊं सावरा, बोल कहीं नाच दिखाऊं सावरा, बोल कुड़सो भजन सुनाऊं सावरा, बोल कुड़सो भजन सुनाऊं सावरा। जबरदस्ती नहीं है, किसी को मन कर रहा हो हाथों को नीचे रखने का या तकलीफ हो तो नीचे रखना, लेकिन यदि दरबार में आपको अपने आप पर भरोसा हो तो एक बार जरा उठा लो पूरे बुरे हाथ और जरा तालियां बजाकर मिलकर प्रेम से गाना। नहीं आता वो चुपचाप अपना आता है
नाचता है, लोग थोड़ा हंस भी देते होंगे, लेकिन उसे ही पता है वो कितनी संतुष्टि लेकर जाता है दरबार से। तालियां बजाओ ना। बांधनिया ने द्वार पे नचावे सावरो, बांधनिया ने द्वार पे नचावे सावरो, लूले से भी तालियां बजवावे सावरो, शब्द अरे लूले से भी तालियां बजवावे सावरो। एक बार हाथ में उठा कर देख लो, अरे एक बार हाथ में उठा कर देख लो, सुना लो सांवरो सुना कर देख लो, सुने आयो सांवरो सुना कर देख लो। मैं तेजस सिवा सत जानू, जन्म उपकारियों बाबा, जन्म जन्म उपकारियों। कौन सा उपकार? तेरो नाम तन्ने ही हो, गाया करो अच्छा लगता है। गाने को तो देखो ऐसा है कि पूरा गा सकते हैं, लेकिन आप गाते हो तो अच्छा लगता है। तेरो नाम तन्ने रटाऊं सावरा, बोल पुरसो भजन सुनाऊं सावरा। और बाबा हम तो जब से थोड़े बहुत बोलने लायक हुए हैं तब से एक बात बोलते आए हैं, आज भी बोलते हैं, और जब तक बोलेंगे तब तक ये बात जरूर बोलेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बोलना सचमुच अच्छा लगेगा आपको। थारी दियोड़ी बाजरी मैं खाऊं सावरा, थारी दियोड़ी। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये खुशी की बात है कि दुख की बात है कि आप बाबा का दिया हुआ खाते हो? तो मुंह लटका के क्यों गा रहे हो? बाबा का दिया हुआ खाते हो, इस बात पे गर्व होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए सेठ को कि आपको इस बात पे गर्व है कि उसका दिया हुआ आप खाते हैं। वैसे बोलो, बोलने के लिए मत बोलो। थारी दियोड़ी बाजरी मैं खाऊं सावरा, बोलो बोलो। थारी दियोड़ी बाजरी मैं खाऊं सावरा। चाहे जितने भी बद से बदतर हो, लेकिन इतने नहीं है कि भूल जाए कि तेरा दिया हम खाते हैं। थारी ही तो हाजरी बनाऊं सावरा, थारी ही तो हाजरी बजाऊं सावरा। हमने देखा है जिनके हाथ कहीं नहीं उठते हैं उसके हाथ दरबार में उठते हैं। क्यों उठते हैं? थारे लिए हाथ में उठाऊं सावरा, थारे लिए हाथ में उठाऊं सावरा। कब पकड़ ले, दिखा ले, कब थाम ले, थारे लिए तालियां बजाऊं सावरा। जब नाचने का मौका मिले तब बोलना, खाने ही तो नाच के दिखाऊं सावरा, खाने ही तो नाच के दिखाऊं सावरा। इतिहास गवाह है जिसने अपनी जिंदगी में ये चार चीजें कर ली। कौन सी चार चीजें? हाथों को उठाना। उठा लो उठा लो, आसपास पड़ोसी के नीचे हो पकड़ के उठा दो। खड़े हो आप लोग, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिखना चाहिए ना बाबा को। हाँ, बगल वाले का हाथ नीचे तो पकड़ के उठा देना। जिसने अपनी जिंदगी में ये चार चीजें की, हाथों को उठा लो, तालियां बजा लो, भजन सुना लो, नाच के दिखाना। वो पांचवी बार जब खाटू गया तो क्या बोला पता बाबा से? अरे थारी दया से मौज उड़ा, थारी दया से मौज। Oh, my God.
बोलिए खाटू नरेश की, ऐसे नहीं, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। बोलिए खाटू नरेश की, शीश के दाने की जय। आज हमारा कलकत्ता इतनी ज्यादा श्रेणी पे यहाँ पर विराजमान, ये कानपुर वालों का प्यार है। कैसे कलकत्ता कैसे कानपुर एक ही है। जा गया कानपुर का भागे, भगता के संग में आयो सावलियो सरकार, भगता के संग में आयो सावलियो सरकार। ये कलकत्ता वाले के गाने की बात है क्या? कानपुर वालों गाओ। जा गया कानपुर का भगता के संग में आयो सावलियो सरकार, को भगता के संग में आयो सावलियो सरकार। गाओ मारे सावरिये रो साचो दरबार, भरे सावरिये साचो दरबार, भगता के संग में आयो सावलियो सरकार। आइए अब आया है तो यहाँ से घर तक कौन 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 लेकर जाएगा? जबरदस्ती नहीं है तालियां बजाने की,
लेकिन इस बीच में तालियां बड़ी आसानी से बजती हैं, इसलिए बजाओ जरा एकदम धीरे धीरे प्रेम से। चरणों में और फिर बोलेंगे बाबा तुमसे क्या बोलेंगे, मारे आसुरा री रख लीजे लाज, आवाज नहीं आई और आ सकती है, और आ सकती है एक बार और, भूल जाओ एक बार सब कुछ और बस ये दो लाइनें गाओ, ऐसा गाओ कि आपको भी लगे कि आज से पहले आपने ऐसा नहीं गाया। मारे सुना री रख लीजे लाज, बोलिए मारे सिर पे फिरा दीजे, और बाबा इतनी इतनी दूर से ये छोटी मोटी चीजें लेने नहीं आए हैं, भरोसा है खुद पर कि तुम्हारी कृपा इतनी है कि कमा लेंगे, तुम्हारी कृपा इतनी है कि अपने जीवन को सजा लेंगे, लेकिन एक चीज चाहिए जो तेरे दरबार से मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, अरे उकारो भरो और कहीं क्या चीज, मुहने गोदिया में मुहने गोदिया खिला जा रे रे सुना जा रे, तू तो बेगो बेगो तो गवाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब खुद से गाते हो तो अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि यहाँ पर भगत बैठे हैं, यहाँ पे मोटिवेट होने के लिए नहीं, यहाँ पे मोटिवेटेड बैठे हैं, यहाँ पर इसके दरबार के वो सेवक बैठे हैं जो सुनाने के लिए बैठे हैं। एक बार जरा हाथों को उठाओ, तालियां मत बजाना, उठाओ अपने हाथों को बिल्कुल सीधे सीधे उठाओ, बस दो लाइनें गाओ मेरे साथ, मारा खाटू का राजा रे, सारे बोलना हो तू तो बेगो रे। अब तालियां बजाकर बोलना है आपको यही दो लाइनें पूरे पूरे हाथों को उठाकर, मारा खाटू का राजा उन्होंने गा दी थी कीर्तन, इसलिए गा रहा हूं, सुनो तालियां बजाओ ऐसे नहीं, हाथों को उठाओ, मारा
जब ऐसे गाते हैं लोग कि लीले घोड़े ने कर लिया तैयार। अरे सुनना सा गावे थोड़ा हल्का, राजी हो जाओ मन कि गवाया आज बोल, लेकिन जानते तो ही हकीकत। लीले घोड़े ने कर लियो तैयार, एक बार हाथों को उठाकर जरा प्रेम से बस ये लाइनें गा दो बाबा को देखकर, क्या पता सुन ले। मारा खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। बस चंद लाइनें दरबार में, उसके बाद हम सब सुनेंगे बाबा के भावों को प्रेम से दरबार में। एक जोरदार जयकार बोलिए, खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। ये रही हो? अच्छा ठीक है, अजमी भैया के मन की सुनाता हूँ। बोलिए खाटू नरेश की जी। मीने का दिन गिन गिन काटा, जदिया यार से आवे बाबुड़ मारो बड़ो सयानो झड़ा। मन ससरिए में, ससरिए में, मन ससरिए में करनो पड़े काम, रे बाद्यो मने मन पिहरियो सो लागे खाटू धाम, रे बाद्यो मने पिहरिए। भगत उन नादान भक्तों, उन नादान व्यक्तियों को, भक्तों को नहीं, नादान व्यक्ति जो होता है ना, जो अपने घमंड में चूर होता है, सुनो शांति दीदी, जो अपने घमंड में चूर होता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, जिसके पास श्याम नाम की दौलत है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने खड़ा होकर एक बात कहता है, माने आंख ना दिखाओ, माने आंख ना दिखाओ, अइया पाप लागे, माने आंख ना दिखाओ, अइया पाप लागे। आवाज उतनी नहीं आई कि मैं आगे बढ़ पाऊं, एक बार गाओ ना। माने आंख ना दिखाओ, अइया पाप लागे, बोलो माने आंख ना दिखाओ, अइया पाप लागे, थारे सेठ जी को सेठ मारो बाप लागे, थारे सेठ जी को सेठ मारो बाप लागे। बोलते नहीं है, समझते सब अंदर ही अंदर चलता है सर, थारे सेठ जी को सेठ मारो बाप
ओ थारे सेठ जीरो सेठ मारो। देखो समय का मान रखते हुए उठाओ और दो तीन मिनट की ये फागण की धमाल मिलकर ये दोनों हाथों को उठा लो बिल्कुल सीधे सीधे। माने पी हरियो सो एक बार सिर्फ बाबा को देखो, मुझे मत देखो, बाबा को देखो और गाओ मेरे साथ। नारा तीर सावरा चलाओ मत ना, आप लोग बोलो ना, मैं नहीं गा रहा। नारा तीर सावरा चलाओ मत ना, ओ माने नेड़ा के जाल में, नेड़ा के जाल में फसाओ मत ना। ओ माने नेड़ा के जाल में फसाओ मत ना, नेड़ा तीर सावरा चलाओ मत ना। सिर्फ एक बार वो धमाल वाली तालियां सुना दो जो बसती है दरबार में, बड़े बड़े हाथ उठाकर, ये बड़े बड़े, एक दो तीन चार। के बाद अपने से खड़े होकर नाच सकते तो आप तालियां नहीं बजा सकते। आइए तो भी गरियो रे मारो सासरियो भी तुझे, आइए तो भी गरियो रे मारो सासरियो भी तुझे, मारे ससुराल में बाबड़ को नाम ही गूंजे, मारे ससुराल में बाबड़ को नाम ही गूंजे। में शुरुआत कैसे होती है दिन की, उठाए मैं हाथों को। ओम जय श्री हरे बाबा जय श्री हरे, हाथ उठाम विराजत रूप धरे, भैये को पी हरिया सासरियो की पूजे, भैये को पी हरियो सासरियो जी,
चिंता क्या किर मारे इहर का छो छो आए चिंता क्या किर मारे इहर का छो छो बाबा अगर तुम सेठ हो तो हम भी तुम्हारे पक्के सेवक हैं कौन कौन है मैं तो दिन रात तेरे आगे पीछे डोला दिन रात तेरे आगे पीछे डोला अरे जिसे तुझे तेरी दुनिया में भोला बाबा अरे जिसे तुझे तेरी दुनिया में भोला मुहाने आँख ना दिखाओ अइया पाप लागे थारे सेठ जीरो सेठ मारो पाप लागे एक जोरदार जयकारा दोनों हाथों को उठाकर जरा सांसों को खींच के आंखों को मींच के दांतों को भींच के जोरदार जितने भगत खड़े जितने भगत पीछे आगे दाएं बाएं जहां भी पूरे पूरे हाथ उठा लो बिल्कुल सिरे और जोरदार जयकार बोलिए खाटू नरेश की देखिए समय को देखते सारा काम करना है क्योंकि जितने भी पदयात्री सभी थके हुए सभी को आराम भी करना कल सुबह फिर रथ लेकर आगे की पड़ाव की ओर बढ़ना है श्री श्याम कला भवन और श्री श्याम मित्र मंडल कानपुर भाई शुभम रुपम के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने दरबार में आकर हाजिरी लगाई और कल बड़ा ही हर्ष का विषय है भाई सौरभ शर्मा भी कलकत्ते से चलकर आ रहे हैं कल हाजिरी लगाने दरबार में और फरीदाबाद से चलकर हमारे भैया सनी भैया दरबार से आ रहे हैं वो भी एक बार जोरदार शिकार सारे मिलकर मैं बोली खाटू भाई ज्यादा बिना किसी बातचीत के दरबार में बड़े भैया संजय जी मित्तल हमारे भैया को सभी मिलकर बुलाते हैं एक बार जोरदार जयकार सभी मिलकर लगाए बोली खाटू लख का तार की हरे के सहारे की हेलो Thank you.
सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्याम प्यारे की जय। थोड़ा सा और जोर हो सकता है। बल खाटू नरेश की। मैं थोड़ा सा बढ़ सकता हूँ, अभी बढ़ सकते हो। बाल हारे के सहारे की। सबसे पहले मैं किस जुबान से आपका आभार प्रकट करूं? आप लोगों ने जो किया है, जो दुआएं दी है और जो प्यार दिया है, जब तक जिंदा है तब तक ये पल याद रहेंगे। मेरी समझ के अंदर में हम लोगों के लिए आपने नहीं किया, आप अपना अपना जिसका जिसका जैसा श्याम से रिश्ता था वैसा वैसा उसने श्याम के सामने परोस दिया। इसलिए प्रेमियों मैं निवेदन करूंगा, रात काफी हो गई लेकिन फिर भी कीर्तन करना, काम वो करो जिससे बाबा रीझ जाए। और बाबा मेरा सिर्फ और सिर्फ कीर्तन से रीझेगा। ये मत समझ लेना कि मैं कीर्तन करूंगा तो काम हो जाएगा, जो करेगा उसका काम होगा। ऊपर एकदम तन कर बैठा है, कौन बैठता है ऐसे? राजा। प्रजा चरणों में बैठी होती है और राजा ऊपर बैठा होता है। किसी भी दरबार में आपने देखा है राजा को सुनाते हुए? राजा तो सिर्फ फैसला सुनाता है लेकिन प्रजा अपनी व्यथा सुनाती है। अगर आप भी प्रजा हैं, सुनाओ व्यथा, फैसला सुनाकर ही भेजेगा आपको। और गारंटी है कि राजाओं का राजा ऐसा है महाराजा, किसका फैसला आपके हक में होगा, आपके विरुद्ध कभी भी नहीं हो सकता। किसका किसका रिश्ता श्याम से जुड़ गया है एक बार बताना सिर्फ। मैं गाऊं, मेरे साथ गाओगे दिल से? जब बाबा का रथ पकड़ कर चलूंगा तो दिल से बताता हूं, बाबा को यह कहता हुआ चलूंगा कि बाबा जिसने कीर्तन में कहा कि तेरा मेरा रिश्ता है, उसके चाहे सारे रिश्ते कोई टूट जाए, तेरे से उसका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए बाबा। इसलिए गाना तेरा मेरा ऐसा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता ऐसा तोड़े से ना टूटे, थोड़े से ना टूटे। किसी भी रिश्ते की मियाद देख लेना,
रिश्ता तभी तक चलता है आज के जमाने में जब तक आप जी हजूरी करोगे। जिस दिन आपने अपनी कोई बात कह दी ना, सामने वाला एक मिनट में चटका देगा। लेकिन यहां उल्टा है, दिल से रिश्ता अगर इससे जोड़ा, इससे एक बार प्यार का नाता जोड़ लिया, तो सिर्फ आप बोलोगे और ये सुनेगा। और कभी नहीं टूटने देगा ये रिश्ता। बोलो, है किसी को दरकार ऐसे रिश्ते की? किसको किसको दरकार है? मिलकर पूरी ताकत लगाकर बोलना। Yeah.
मुझे आश है विश्वास है शाम भर देता दामन तू मेरा पढ़ने Thank you.
सारे
काम करना, एक काम मत करना, तालियां बजाओ। कभी झूठ ना मुझसे तू शाम ना रे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम रे। कभी झूठ ना मुझसे तू शाम, जो गाएगा उससे कभी नहीं रूठेगा शाम। जिंदगी है अब तेरे नाम रे, मेरे साथ मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं की थी। तालियां बजाओ ना यार, इतनी जल्दी थक जाते। डॉक्टर ने कहा ठीक है, रिपोर्ट कल सुबह आ जाएगी, कल शाम को दवाई दे दूंगा, तुम अपना काम सलटा के दो चार दिन के अंदर मैं आ जाऊंगा, लेकिन दवाई जिस दिन लिखूंगा कल लिखूंगा, कल से दवाई लेनी पड़ेगी। उसने कहा डॉक्टर लिख दो दवाई। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, घर वालों ने कहा दवाई ले लो, बोला आज नहीं लूंगा, बाबा का कीर्तन कल है। वो अपने गांव पहुंचा, तालियां बजाना, मैं वहां पर मौजूद था प्रेमी।
बाबा की जोत आई, दवाई फाड़ी, गोलियां निकाली और चोट में डाल दी बाबा। सबने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा बाबा मैंने लूखा खाया तुझे रूखा खिलाया, मैंने जिस दिन देसी घी का फलका खाया तुझे खिलाकर खाया, जिस दिन मैंने मिठाई अपने घर में लाई पहले तुझे भूख लगाया उसके बाद खाया, आज दवाई में अकेला खाऊंगा। उसके बाद मैं दवाई भी खाऊंगा और इलाज भी कराऊंगा, कसम से प्रेमी है उसके बाद उसको वो बीमारी नहीं रही, गोली लेने की दरकार नहीं पड़ी, सांवरा ने एक डोज खाई और बीमारी ठीक कर दी। हवा में नहीं छोड़ रहा, किसी दिन अगर कोई होगा सामने मिलवा दूंगा उस बंदे से। क्या फर्क पड़ता है अगर दो दिन खाना नहीं मिला तो? अगर ठाकुर को महसूस करना है ना तो आधा गिलास पानी रख देना रात को इसके सामने, बाबा आज मेरे पास आधा गिलास पानी है, एक रोटी होगी तो आधी तुझे खिलाऊंगा आधी मैं खाऊंगा, आज मैंने भी पानी पीना है बाबा, आप पानी का भोग लगाओ फिर मैं पानी आपका भोग लगाया हुआ पीऊंगा और दोनों चैन से सोएंगे, कलेजा इसका फट जाएगा, आप तो फिर भी रात को चैन की नींद सोओगे लेकिन सारी रात ये नहीं सोएगा। सिर्फ आपने सुना है आज तक कि यह हारे का सहारा है, लेकिन आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि यह नहीं हारता है और यह हारने के लिए तैयार रहता है कि कोई ऐसा दीवाना आए मेरे पास में जो मुझे हरा कर चला जाए। जैसे बाप हमेशा चाहता है कि उसकी पहचान उसके नाम से नहीं उसकी औलाद के नाम से हो, वैसे ही सांवरिया भी चाहता है कि मेरे दरवाजे पर ऐसा प्रेमी आए जो मुझे हरा कर चले। चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, होठों पे सदा तेरा नाम रहे, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। पूरे हाथ उठा लेना अगर मेरी बात इस बार सको तो, पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर एक साथ बोलोगे क्या? हो तेरे नाम से ही मेरी सुभाष जी,
मन अब हारा है, तुमको पुकारा है, तुमको पुकारा है। देर न हो जल्दी करना, देर न हो जल्दी करना, मैं हूँ तेरे भरोसे आया हूँ सब कुछ खो के, इस दुनिया को फिर से दिखा दो, इस दुनिया को फिर से दिखा दो, तू तो शाम झूम कर कीर्तन कर रहे हो, लेट हो गई तो आप अकेले हो गए। अरे अंकल बैठ जाओ। अरे छुपो मत, बाबा देख रहा आपको, आपकी हंसी बाबा को अच्छी लग रही है। देखो आप खड़े हो गए, इनका मन परेशान हो गया। अगर अगला कोई बेटा बेटी हो ना, तो उसका रिश्ता करने से पहले समधी से ये कांटेक्ट कर लेना कि कीर्तन में मिलोगे तो तुम्हें समधी नहीं मानूंगा। हाँ भाई, ये नहीं चलेगा। मिलनी लेना देना सब कर लेना, लेकिन यहाँ पर शेयर मत कर लेना, ये शेयर नहीं होता भाई। समधी जी बैठ जाओ। पहुंचा बाबा के दरबार में, बहुत परेशान था, लेकिन उसने आकर बाबा को कहा, बाबा बेटा नहीं, बात नहीं करूंगा,
उसने कहा बाबा टूटा है दिल संभाल सांवरे जिसको आप अपना समझ रहे हो पता नहीं कल भोर होते ही वो आपके शीशे के दिल को तोड़कर चकनाचूर कर दे। किसी पर भरोसा मत करना, कौन कब पत्थर चला देगा गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात की अटल गारंटी है, इस दरबार में टूटे हुए जुड़ते हैं, जुड़े हुए कभी टूटते नहीं। प्रेमी ये रो रो रहा है पुकार सांवरे, ये रो रो रहा है पुकार सांवरे, टूटा है दिल संभाल सांवरे, अपना दिल इसके हवाले करेगा। इससे पहले कि कोई मार कर तोड़ दे, कर दो इस दिल को इसके हवाले और फिर चैन की नींद सोना, पूरे हाथ उठाना पूरे पूरे और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर टूटा है दिल संभाल। Yeah!
जो बैठकर दरबार में तालियां नहीं बजा रहे हैं वो खो रहे हैं मौका। मैं बाबा को इधर चढ़ा रहा हूँ, आप तालियां बजाओ, आपके हाथों से इधर स्वीकार कर लेगा दोनों हाथों। मैं तेरे दरबार में आया, मैं पाप साफ नहीं हूं बाबा, सच्चाई बताऊं, अगर आप नजर उठाकर पापियों की लिस्ट बनाओगे तो शायद पहला नंबर मेरा पाओगे बाबा। माना के प्रभु मुझसे बड़ा न कोई आदमी दूजा, प्रभु मुझसे बड़ा न कोई आदमी दूजा, आना के प्रभु मुझसे बड़ा न कोई आदमी दूजा। लेकिन ये तेरी दुनिया ने ही तेरे बारे में बताया कि तेरे दरबार में आकर बड़ा से बड़ा पापी झुक गया और कह दिया कि बाबा मुझे पकड़ लो, मुझे संभाल लो। दुनिया कहती हारा नहीं वो जिसने तुमको पूजा, दुनिया कहती हारा नहीं वो जिसने तुमको पूजा। मेरी नहीं बाबा, मेरी बात पर भले ही ध्यान मत देना। अरे रख ले तुम उनकी ही बात सामने, से ज्यादा थका हुआ मैं हूं। लेकिन कसम से अगर आपका एंट्री लेवल अच्छा है तो मेरा आपसे चार गुना ज्यादा अच्छा है। तालियों बजाकर कहना बाबा से, बाबा गुजारा न होगा, मत मारो, सदियों से तेरे हुनर का भिखारी, आपकी तालियां देखकर लग रहा है कि अभी तभी हम कलकत्ता से चले हैं। तालियां बजाओ ना। गरीबों के दाता हो, गर तुम रारी, गर तुम रारी।
कि तुमने बिगड़ी बनाई, मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी, मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी। तो अगर टाइम है आपके पास तो हाथ उठाना, कसम खाटू वाले की, आपसे जो हाथ उठवा उठवा रहा हूं ना, मेरे कोई काम नहीं आएगा, लेकिन ईमानदारी से एक एक ताली जो आप बजा रहे हो शाम देख रहा है। जिस वक्त आपको सहारे की दरकार होगी और कोई सहारा बनने को तैयार नहीं होगा, शाम को ये तालियां याद आएगी और इन तालियों का कर्जा चुकाने के लिए कसम श्याम की आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा तूने रात को जो 2 बजे मुझे तालियां बजाकर सुनाई थी ना, उसका कर्जा चुकाने के लिए आया हूं। हेलो साहब, आदरणीय मौसी जी का साथ मिला, तालियां बजाओ ना मौसी जी। हम क्या यात्रा करेंगे, सबसे पहली यात्रा इन्होंने की, उससे कठिन यात्रा कुछ हो नहीं सकती। पर कल रात को सौभाग्य मिल गया जब अचानक अंधेरे में एक गाड़ी बगल से निकली और 2 कदम पर जाकर रुक गई, रथ बगल से निकला, देखा मौसी जी बैठी है, उतर कर रथ का पकड़ के खड़ी हो गई, आशीर्वाद दिया। हमारे लिए तो मौसी जी हमारे साथ कलकत्ता से चल रही है, तालियां बजा। इतनी उम्र के अंदर में भी इतनी देर तक बाबा के दरबार में ये बैठी है, आपका बाबा की दया से बहुत बहुत आभार। ये तालियां बजा कर क्या बोलेंगे, तेरी दया से चलता गुजारा बाबा हमारा, तेरी दया से चलता गुजारा बाबा हमारा, विपदा में तू ही बना है सहारा से निकले। न एक पैसा पॉकेट में था, पर आज 43वें दिन इसके अलावा न एक पैसा किसी से नहीं है। ये भी कि इतनी बड़ी भक्त का आशीर्वाद है, इनका आशीर्वाद समझ कर ले रही। और ये बहुत काम आएगा, तालियां बजाओ।
बस समय काफी हो गया। बाबा से कहा बाबा भटक भटक कर अब पहुंचा हूं बाबा द्वार पे तेरे, भटक भटक कर अब पहुंचा हूं बाबा द्वार पे तेरे, और कुछ मांगने नहीं आया बाबा। कसम से ये यात्रा भी कुछ मांगने के लिए नहीं थी बाबा, इस यात्रा में बाबा जो जुड़ा, जिसने गांव गांव में आपके दर्शन किए, जिसने आपके रथ को हाथ आकर लगा लिया, जिसने मीडिया के माध्यम से आपके दर्शन किए, जिसने जहां से दुआएं दी, सबको पहले बांट कर उसके बाद कुछ बचे तो मुझे झोली में डाल देना बाबा। भटक भटक कर अब पहुंचा हूं बाबा द्वार पे तेरे, भटक भटक कर अब पहुंचा हूं बाबा द्वार पे तेरे, मुझसे मेल बात इतना ही कहने के लिए आया हूं बाबा आपके पास। दुनिया में किसी ने नहीं कहा, और अगर कहती है तो वो तौल कर कहती है, जिसका वजन भारी होता है उसको लोग गले लगाते हैं, जिसका वजन हल्का होता है लोग उसे देखते भी नहीं। मुझको ये विश्वास दिला दो तुम हो गए हो मेरे, मुझको ये विश्वास दिला दो तुम हो गए हो मेरे, फिर किसी की बस सिर्फ दो मिनट और, बोलिए हारे के सहारे। बाबा बड़ी अजीब बात है कि बाबा खाटू से चलकर पहले कलकत्ता आए, यही होता है, हम लोग समझ नहीं पाते। जो खाटू पहुंचता है ना वो खाटू नहीं जाता। अगर हम आप में से कोई ये सोचता हो कि हम खाटू जाते हैं, सोचना बंद कर दो। कोई पूछे आपसे कि आप हर महीने खाटू जाते हो तो हां मत कहना, उसको क्या जवाब देना, हम हर महीने खाटू नहीं जाते,
खाटू वाला हर महीने हमें लेने खाटू से चल कर आता है और लेकर जाता है। हमारी क्या औकात, टिकटे धरी की धरी रह जाती है। देखा खाटू पहुंचकर लोग खाटू नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो ये सोचकर मस्त रहते हैं कि मेरो बाबो आवगो मने लेके जाओगो, बीके टिकट कोनी भी बनी रहो। फ्लाइट में रात को एजेंट को फोन किया, भैया टिकट बना दो, नो वैकेंसी। सुबह एयरपोर्ट चले गए, बाबा देखा जाएगा। काउंटर पे आपने रिक्वेस्ट डाली, सर एक सीट खाली है, बुला लेता है। आज भी खाटू वाला पहले खाटू से कलकत्ता आया, कलकत्ते से गांव गांव घूमते हुए वापस जा रहा है। एक मकसद लेकर आया है, वो मकसद बताता हूं चार लाइनों में, सुनना प्रेम। मेरा हो गया आया, मेरा सांवरिया आया है। बोलो, मेरा सांवरिया आया है। भक्तों के मन की बातें सुनने, भक्तों के मन की बातें सुनने, द्वारे का दरबारी चुनने, द्वारे का दरबारी चुनने, खाटू से आया है। वैकेंसी निकली है, वैकेंसी खाटू मंदिर में, खाटू दरबार की वैकेंसी निकली है। कुछ लोगों को चुनने आया है कि कौन कौन मेरे दरबार का एग्जीक्यूटिव दरबारी बन गए। भक्तों के मन की बातें सुनने, द्वारे का दरबारी चुनने, खाटू से कौन कौन स्वागत करेगा, पूरे हाथ उठा लेना, आधे मत उठाना, उसके घर होकर जाएगा। मेरा सांवरिया टूटे शाम को
ऐसे हाथों में दोगे। देखो हाथ मत उठाना, लेकिन तालियां बजाकर बाबा को बोलो ना, बाबा मेरी दीदी बजाओ ना। सौंप दी डोरी शाम को जिसने, डोर कभी ना वो टूटे। तालियां बजाकर कहें जग वाले चारे सारे रूठे, शाम कभी ना रूठे। जग वाले के सिर पे हाथ फिराने, भगतों के सिर पे हाथ फिराने, नील चढ़े सांवरिया के मन की बातें सुनने। बोलो द्वारे का दल पारी चुनने, द्वारे का दल पारी चुनने। खाटू से दो लाइन। जब सांवरी आया इसके बाद क्या कहा बाबा से, सांवरी आ गया सुनील बाबू, आज किसी ने मुझे कहा कि हम लोग तो दो बार यात्रा करने निकले थे, सुबह 6 बजे निकल जाते थे और 3 बजे दिन में अपने पड़ाव पर पहुंच जाते थे। आप लोग तो निकलते 11 बजे हो, रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी आते हो, कल तो सलेमपुर में 11:45 हमने कहा भाई क्या करें, क्वांटिटी बढ़ गई है। आप 28 साल पहले आए थे, आज के नौजवान 20-20 साल के बच्चे दीवाने हो गए हैं। क्या पड़ा इन प्रेम मंडल वालों को, 20 आदमी आ गए लेकर, काम धाम नहीं है इनके पास, कोने के काम क्यों आए? दीवान की सर चढ़कर बोल रहे, क्यों ये लोग कलकत्ते वाले आए, क्यों ये दिल्ली वाले आए, क्यों भाई? सबका तो मैं नहीं जानता कहां कहां से आया, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे, क्यों?
इसने जादू का जाल ऐसा फैला दिया कि अब खाली दिन में चलने से भी काम नहीं चलता, रात के अंधियारे में भी लोग निकल निकल कर बाबा का स्वागत करते हैं। अभी आज ही आ रहे थे, यहीं पर आ रहे थे, ये पिछला चौक मुझे नहीं मालूम क्या है। कल जिनके यहां पर दिन में बाबा का स्वागत हुआ, आज पकड़कर बैठ गए कि 10 मिनट के लिए रथ को घुमाना पड़ेगा, बाबा की आरती की तैयारी कर रखी है, कैसे मना कर दे उनको, कैसे उनका दिल तोड़ दे। शाम खारी मेरी बपोती थोड़ी है, शाम तो सबका है। और उसके बाद अगर रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक कीर्तन अगर करेंगे तो बाबा हमें भी तो सुलाएगा ना कि बेटा 5-6 घंटा सो। इसलिए देरी होती है, क्षमा करेंगे। हो सकता आप भी कई लोग आंखों में झूम रहे हों, लेकिन ये हम लोगों का सौभाग्य है। श्री श्याम कला भवन और पूरा श्याम जगत, मैं सिर्फ कला भवन को नहीं बोल रहा, पूरा श्याम जगत ऋणी है उन गांवों का, उन शहरों का, जहां जहां से बाबा जा रहे हैं और जहां जहां लोगों ने बाबा का स्वागत किया। पल अलग मेरा पूरा कलकत्ता उसमें साथ है। हर दूसरे मिनट की अपडेट हो रही है। इन लोगों का प्यार है जो हमें आगे बढ़ा रहा है। आइए प्रेमी, इसलिए किसी ने पूछा, ये देख सामने किनारा है, क्यों भटक रहा है? किसी ने पूछा, देख ये सहारा खड़ा तेरा, क्यों भटक रहा है? मैंने कहा, पगले किनारा भी तू ले ले, सहारा भी तू ले ले, क्योंकि ना ही किनारा ना ही सहारा ना ही किसी की दरकार, जो संग में तू मेरे। बोलो बोलो। ना ही किनारा ना ही सहारा ना ही किसी की दरकार, जो संग में तू मेरे। देखो प्रेमी, मैं 95 में पहली बार कानपुर आया, 24 साल से मेरा रिश्ता कानपुर से बैठा। और ये सारे मित्र, श्याम जी मित्र मंडल वाले जानते हैं कि ये लोग मुझे कहते थे संडे को दे दे, नहीं गाऊंगा, सैटरडे को रात को 10 बजे पीक आवर में दे दे, 11 बजे पीक आवर में दे दे, नहीं गाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए आपके 1000-2000 आदमियों की भीड़, मुझे तो मेरा बाबा चाहिए और 100 प्रेमी चाहिए जिनकी बिना बोले तालियां गूंजती रहे और बाबा नाचता रहे। प्रेमी, इस भजन में रिक्वेस्ट है, मुझे 24 साल पहले वाला कानपुर का कीर्तन याद दिला दो प्लीज। इस भजन में हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप को डाइवर्ट कर दो बाबा में, यहां बैठकर अपने आप की चिंता मत कर लेना, नहीं करेगा आपकी चिंता, और अपने आप को भूल जाओगे ना तो आपको याद हमेशा हमेशा के लिए रखेगा। 5 मिनट इसको दो और पूरी जिंदगी आपके लिए बनने के लिए तैयार है। दोगे? कौन कौन देगा? हाथ मत उठाना इस भजन में, लेकिन प्लीज एक एक लाइन सुनना और मेरे साथ गाना, तालियां बजाकर। ना ही किनारा ना ही सहारा ना ही किसी के दर का, तो संग में तू मेरे। Oh,
पगले क्या करना है किनारे का क्या करना है सहारे का क्या करना है किनारे का क्या करना है सहारे का सांवरे सांवरे क्या करना है किनारे का क्या करना है सहारे का क्या करना है किनारे का क्या करना है सहारे का भव से वो तो पार हुआ जो नौकर इस प्यारे का भव से वो तो पार हुआ जो नौकर इस प्यारे का कौन इनकी नौकरी बजाएगा ये सब आपकी नौकरी करने के लिए तैयार है अब से वो तो कार हुआ जो नौकर इस प्यारे का अब से वो तो कार हुआ जो नौकर इस प्यारे का और नदी किनारे नैया डूबी नदी किनारे नैया डूबी देखी सो सोबा क्यों करूं जबकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनकी नई की नई नाव किनारे पर खड़ी थी और देखते देखते डूब गई फिर किनारा क्यों चाहिए भाई और मैंने कई ऐसे दीवाने देखे जिनकी नाव में कई छेद थे जिनकी नाव में माझी नहीं था और नाव बीच मझधार में डूब रही थी लेकिन देखते ही देखते पलक झपकी और वो किनारे पर आकर खड़ी हो फिर सहारे की क्यों चिंता करूं अब से वो तो पार हुआ जो नौकर इस प्यारे का सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं सावरे
बिगड़ी नहीं। सुनो, मैंने गाया ये कौन बनाए, लेकिन गाते समय ये दिमाग के घोड़े नहीं खुले थे। रिकॉर्ड करने के बाद में दिमाग का ताला खुला। पगले, कहता है बाबा तेरे सिवाय कोई नहीं, और फिर बाबा से ही सवाल करता कि मेरी बिगड़ी कौन बनाए। इसलिए पलट दिया, तालियां बजाना। देखो प्रेमी, मैं अपने साथ कोरस इसलिए नहीं रखता क्योंकि मुझे मालूम है भजन गाने से काम बनता है। मैं गाऊंगा और कोरस गाएगा तो आप नहीं गाओगे, आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन कसम श्याम बाबा की, आपने जो भजन गाया है ना मेरे साथ में, आपका काम बनेगा प्रेमी। तालियां बजाकर कहना, मेरे बिगड़ी तू ही बनाए, मेरा संकट तू ही मिटाए, मेरा संकट तू ही मिटाए, तेरे सिवा ना कोई दूजा, तेरे सिवा आप सबको बताया,
श्याम जी मित्र मंडल ने लड्डू गोपाल दिया मुझे सजा धजा कर। मेरे घर में 50 साल से लड्डू गोपाल की सेवा थी। जिस दिन घर पहुंचा उस दिन जन्माष्टमी थी। उसके दूसरे दिन जन्माष्टमी थी। माँ ने देखा, कहा कन्हैया घर में आ गया, इसके भी प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान करेंगे। और 24 घंटे नहीं होने दिए प्रेमी। डॉक्टर ने 1 महीने बाद की डेट दी थी। जन्माष्टमी के दिन सुबह भोर अंधेरे घर के अंदर में मुझे पुत्र दिया बाबा ने। पिछले 23 साल से मैं श्याम जी मित्र मंडल का ऋणी हूं। आज तक वो कर्जा नहीं उतार पाए और इस जन्म में नहीं उतार पाऊंगा। उन्होंने लिखा, सब भक्तों को बहका देंगे, तेरा नाम ना लेंगे। हम वैसा नहीं करेंगे बाबा। करोड़ों मंगते हैं, बोल देंगे जाओ वहां जाओ, सोना लूट रहा है। सुनो, नोटबंदी हुई ना, खाटू में फागुन के मेले में हमारे यहां एक मेंबर आया, उसके बैंक में बहुत पहचान थी, खाटू वाले बैंक में, झूठ नहीं कहता। उसने किसी को नोटबंदी के दूसरे या तीसरे दिन, 11 थी, किसी को खाटू वाले बैंक से लाकर 2000 का नोट दे दिया। सब पीछे पड़ गए, हमें भी दो, हमें भी दो।
अब वो 10-5 नोट लेकर आए, अब आप बोलोगे 10-5 ये तो फेंक रहा है, लेकिन ईमानदारी से झूठ नहीं कहता। पता नहीं इस बंदे की क्या पहचान थी, सबको एक एक 2000 का नोट दिया, लेकिन उसके पीछे हमें कहानी करनी पड़ी। उसका नंबर मोबाइल में डाल दिया, एक मैसेज कर दिया कि इस नंबर पे डायल करो, एक बार में 250 रुपया का रिचार्ज फ्री मिलेगा। ईमानदारी से धनाधन धनाधन फोन बजने लगे, परेशान होकर सिंघानिया जी देखो नाम, परेशान होकर सबको एक एक 2000 का नोट उसने दिलवाया। वैसे ही बाबा सोच ले तेरा हाल भी करेंगे, सबको बोल देंगे फ्री में बढ़ता है, दुखियारा दौड़ कर जाएगा बाबा, लाइन लग जाएगी। 50 साल पहले तू मस्ती में फागण की गैरेज में भी तान कर सोता था रात को, आज तेरा हाल देख क्या हो रहा है। 10 साल पहले 9वीं 10वीं 11वीं तक 3 दिन जगता था, बांट बांट कर तूने इतना बड़ा झमवाड़ा कर लिया कि पिछले फागुन मेले में शायद 7 या 8 दिन नहीं सो पाया था तू बाबा, और इसी तरह बांटता रहा ना बाबा, तो वो दिन दूर नहीं है कि फागुन जिस दिन लगेगा उस दिन से लेकर और जिस दिन फागुन खत्म होगा उस दिन तक तुझे सोने नहीं देंगे। है ना, 10 तारीख से मेला चालू हो रहा है, सुन ले बाबा। सब भक्तों को बहका देंगे, तेरा नाम ही लेंगे बाबा, तेरा नाम ही लेंगे बाबा, तेरा नाम ही लेंगे। होगा तू बहुत बड़ा सेठ बाबा है, लेकिन तेरे बच्चे भी तेरी औलाद है। सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सदा रहा है भारी रे, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सदा रहा है भारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे भगत तुम्हारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे yeah।
तालियां बजाओ ना। ये भगत जी का प्यारे भजनों में से एक भजन था। अखियों से दूर ना हो ना मेरे श्याम प्यारे, अखियों से दूर ना हो ना हो ना मेरे श्याम प्यारे, श्याम प्यारे प्राण हमारे, श्याम प्यारे प्राण हमारे, अखियों से दूर ना हो ना हो ना मेरे श्याम प्यारे। ये तालियां बजाना। सुनो क्या बोलोगे समझी जी में। अच्छा मिलने लेने वाले थे कि देने वाले थे? देने वाले थे वो देने वाले थे ना। हमारी मिल गई, हमारी भी तो बनती है ना, मांग के भिजवा देना। जग से हारा बालक बेचारा, जग से हारा बालक तुम्हारा, तेरी शरण में पड़ा है बिचारा, तेरी शरण में पड़ा है बिचारा, दया की नजर अब करो ना, करो ना मेरे श्याम प्यारे, अखियों से दूर ना हो ना मेरे श्याम प्यारे। भजन खत्म हो गया। नहीं आपको नहीं बजाएगा श्याम भाई, अब जितने पीस वो बजाएगा उतनी कटिंग होगी उसकी। तालियों में बजाओ। जो हो रहा देखा जाए।
आखिर में क्या बोलेंगे? दर्शन तेरा पाके रहेंगे, दर्शन तेरा पाके रहेंगे, दिल की बताएं सारी तुमसे कहेंगे, दिल की बताएं सारी तुमसे कहेंगे, चाहे कितने भी हमसे फिरो ना तेरा नावे अखियों से दूर ना होना मेरे श्याम प्यारे, अखियों से दूर ना होना मेरे श्याम प्यारे। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बोल साचे दरबार की। दो मिनट के लिए बैठ जाएंगे सारे। देखो मामा को बरसों बाद मैंने खेतर में देखा और पहली बार नाचते हुए देखा। एक मिनट सब बैठ जाए। देखिए पूरे कानपुर वालों ने जो किए हैं इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो प्यार आपने लुटाया है हम उसका शुक्रिया अदा करके आपके प्यार को कम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी बाबा का एक छोटा सा बाबा का प्रतीक चिन्ह श्री श्याम कला भवन के स्वर्ण जयंती उपलक्ष में एक बाबा का स्वर्ण जयंती महोत्सव का प्रतीक चिन्ह और एक शॉल उठाकर श्री अनुपम भैया, श्री श्याम जी मित्र मंडल के श्री अनुपम भैया और श्री राजीव जी जलान को हम निवेदन करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय श्री अच्छा श्री अजय जी सरावगी जी और श्री राकेश जी शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम जी मित्र मंडल की तरफ से सब आइए। और मैं परम आदरणीय पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगा कि श्री श्याम कला भवन का ये पटका और